सर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। कर्ज एक ऐसा शब्द है जो शायद ही कोई व्यक्ति लाइफ में सुनना चाहता है। हम सभी का ख्वाब होता है फिनेंशियल फ्रीडम और परिवार को एक सुखी जीवन देना। इस बीच कर्ज आ जाए तो ज़िंदगी थोड़ी कष्टदायक लगने लगती है। ऐसा लगता है कुछ टोटका कुछ ऐसा मिले जिससे बस ये चुका लूँ मैं, राइट? करोड़ों का कर्ज हो तो इंसान कभी कभी मानसिक तनाव से घिर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये तनाव इस कदर हावी हो जाता है कि लोग आत्मघाती कदम तक उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो उनके और उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि कहते हैं कि जितनी चादर है पैर उतना ही फैलाने चाहिए, लेकिन कई बार कहते कि रिस्क भी लो, बिजनेस करो। तो सबके अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कर्ज चुकाते चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बताऊंगी जो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। पान के पत्ते हम सभी जानते हैं, 5 पान के पत्ते लेने हैं, उसमें श्रीम राम लिखना है, श्री के ऊपर डॉट और राम। वो 5 पान के पत्ते आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हनुमान मंदिर में चढ़ाना है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। पान के पत्ते 5 लेकर आपको श्रीम राम लिखकर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चढ़ाना है। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग ढेर सारे उपाय नहीं बता रही, बस जो बताया है एक उपाय करें और फिर उसके लाभ आप देखेंगे खुद। आपको विश्वास नहीं होगा, लोगों ने किया है, विश्वास रखें और कर्ज उतर जाते हैं। करोड़ों का कर्ज, आप समझो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट? पर शायद भगवान रास्ता खोल देते हैं और आपको सब आसान लगने लगता है। मैं दिल से कभी नहीं चाहूंगी किसी के ऊपर कर्ज हो, अगर है भी तो मेहनत के साथ साथ ये एक उपाय करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक लड़के ने अपने माँ बाप से दूर रहकर एक बड़े शहर में शिफ्ट होकर पैसे कमाने का सोचा। वो एक अच्छी जॉब में अच्छा कमाता था, अपने माँ बाप को भी पैसे भेजता था। उसने एक फ्लैट खरीद लिया कुछ दिन में, कई जगह पैसे इन्वेस्ट करके रखा उसने, सब अच्छा चल रहा था। अचानक कोरोना में, जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना में उसकी जॉब चली गई और उसके पास के सेविंग्स 1-2 महीने में ख़त्म हो गए। उसने घर बेच दिया, माँ बाप को बिना बताए 5-6 महीने निकालने की सोची। उधर उनके पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और फिर उसे सब सच बताना पड़ा जाकर। पर तब तक उसके सारे शेयर्स डूब गए थे, इन्वेस्टमेंट में उधर लॉस हो चुका था, घर चला गया था, जॉब नहीं था, फिर उसके पास कुछ रास्ता नहीं था। उसने ये एक मंत्र, मैं आपको सच्ची कहानी बता रही हूँ, ये एक मंत्र फॉलो करके, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उसके पास 2 बंगले हैं, 3 गाड़ी है, माँ बाप को एक लग्जूरियस लाइफ दे रहा है वो। तो ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है। सच, विश्वास और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना बड़ा भी कर्ज हो, 5 करोड़, 15 करोड़, आप बाहर निकल आएंगे। सोचने और डिप्रेशन में जाने से अच्छा आप उस पर काम करें जिससे आप इस चीज़ से निकल पाए जल्द से जल्द। इस उपाय से आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न रहे दुआ है। धन्यवाद।